अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो ख्वातीन हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबका वीडियो में काफ़ी ऐसी ख्वातीन हजरात हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एसएमएस किया है इस हवाले से कि हमें हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर के पैसे नहीं दिए जा रहे, हालाँकि हम इस इमदाद के हकदार भी हैं, गरीब भी हैं, हमें इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल किया जा रहा है, लेकिन हम इस प्रोग्राम के जरिए अपनी इमदाद को हासिल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी इमदाद को लेना चाहते हैं, अगर आप इस इमदाद के हकदार हैं, गरीब हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल मेथड शेयर करूंगा किस तरीके कार के जरिए आप अपने नाम को आयल करवा सकते हैं, किस तरीके कार के जरिए आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होकर अपनी इमदाद को किसी भी गरीबी अदायगी मरकज से जाकर वसूल कर सकते हैं। और साथ ही साथ काफी ऐसे भी खानदान है जो खानदान इस इमदाद के हकदार भी हैं, गरीब भी, उनको आयल भी किया गया लेकिन वो अपनी इमदाद को लेने के लिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से इमदाद नहीं मिलेगी या फिर आपके अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं आई है, वो खानदान किस तरीके कार के जरिए अपने घर बैठे अपने पैसों को चेक करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खवातीन और मर्द हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन खानदानों को हुकूमत की जानिब से राशन का वादा किया गया था, हुकूमत ने अपना जो वादा है उसको पूरा करने का फैसला कर दिया, तमाम गरीब खानदानों को असास राशन राइट प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो मिलना स्टार्ट होने वाली है। अगर आप भी गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप अपना असास राशन राइट प्रोग्राम की पेमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो फिर भी आज की इस वीडियो को आपने हरगिज स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको असल और ऑथेंटिक मेथड आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके कार के जरिए आप अपने पैसे चेक करेंगे, किस तरीके कार के जरिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करके अपनी इमदाद को वसूल करेंगे, और साथ साथ जिन खानदानों को नाइल कर दिया है वो खानदान किस तरीके कार के जरिए अपनी अपील करवा सकते हैं। उसके वाले में जानने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश भी करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं तो नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सास के लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, लिहाजा आप इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। तो बाकी बात है, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। अगर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताने लगा तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, बाकी बातें आपको वहां पर बता देता हूं। ठीक है, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रोग्राम में जो भी आपको हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जैसे कि असास राशन रायत प्रोग्राम, असास प्रोग्राम, या फिर हुकूमत की जानिब से जो बेनज़ीर की नए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया उन तमाम गरीब घरानों के लिए जिन घरानों को बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया था, हालांकि वो खवातीन हजरात इस इमदाद की हकदार भी थी, गरीब भी थी, उनको बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया था, वो खवातीन हजरात अपने नाम को किस तरीके कार के जरिए अहल करवाएंगी, उनके लिए हुकूमत की जानिब से एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर चले जाएं, वहां पर जाने के बाद आप एक वेबसाइट को सर्च करें टॉप न्यूज प्रो, यहां पर आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे, टाइप करते सार आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना है, आने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया, यहां पर आपने आना है, आने के बाद आप जैसे यहां पर आएंगे, आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक लिंक दिया गया डाउनलोड का लिंक, यहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी तरीके कार के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप बेनज़ीर की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यहां पर आप टाइप करें, टाइप करते सार आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी ये पोर्टल वर्क नहीं कर रहा, तो जैसे ऑपरेट करेंगे आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी इमदाद को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर आपको एक वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट के जरिए आप अपनी इमदाद को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना है, यहां पर अपना जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है, मैं यहां पर जल्दी जल्दी से अपना जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नीचे क्या करूंगा, यहां पर जो कोड आपको दिया गया 2809 ऐड कर दिया, मालूम करवे जैसे टाइप करूंगा, टाइप करते सर फौरी तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप बेनज़ीर के कफालत प्रोग्राम के लिए आहिल हैं। अगर आपने हालिया में 8500 रुपये की इमदाद वसूल नहीं की, आप अपनी इमदाद किसी भी करीबी अदायगी मरकज से जाकर अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। ये उन घरानों के लिए जिन घरानों को आहिल किया गया, लेकिन जिन घरानों को कहा जाता है कि आप इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल कर दिया है, वो घराने एक छोटा सा काम करें, वो अपने घर के किसी भी करीबी अदायगी मरकज पर अपना शनाख्ती कार्ड लेकर चले जाएँ, वहाँ से जाकर अपना सर्वे दोबारा फिर करवा लें। हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है, तो दोबारा फिर अपना सर्वे करवाने के बाद अपनी इमदाद के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जो लोग खानदान असास राशन रायत प्रोग्राम की पेमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ एक हफ्ते के बाद तमाम गरीब खानदानों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।